सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना बनाई है ताकि गरीब परिवारों को भी पक्का आवास बन सके, परंतु बहुत अफसोस की बात है कि वाराणसी जनपद के हरमुआ ब्लॉक के निदौरा गांव में सुखराज सहित कुल 50 ऐसे परिवार हैं जिन लोगों का आज तक पक्का आवास नहीं बना है। मैडम, हमारा समस्या है कि हम लोग जब पानी बरसने लगता है मैडम तो भीग भीग के रहते हैं। एक ही घर है मैडम, वो भी झोपड़ी है, आपके सामने देख ही रही हैं। यही सब समस्या है मैडम, क्या किया जाए। किसी तरह तो जी खा लेते हैं मैडम मांग करके, मगर तो खाने रहने के लिए हम लोग की कोई व्यवस्था नहीं है मैडम। हमारे मैडम जी ये समस्या कि कच्चा घर है छोटा सा और बहुत चुगला, छवाई भी इतना महंगा बा, कहाँ से छवाई, मट्टी भी ना है कि नहीं ढंग से घर द्वार उठावा बनावा। अब सुता कर रह कर हमन के बहुत परेशानी होला, पानी बहला तो पड़ लगला, जब तक हमन बैठल रात बितावल जला, वही भीज भी जाय जला, कोई दबकर रह जला। समस्या घर का होला, घर में बारिश के टाइम में जैसे बहुत बारिश होला तो पूरा एकदम घर में कीड़ा गोजर दुनिया के निकलला, लड़की लड़कन लड़का के मुड़े तर हमरे सांप आई के बैठल रहा। बारिश के समय में खटिया पर बैठ के तो हम लोग बिहान करी लायक, एक दिन ऐसा बारिश अगर हुआ लगल लड़की लड़का लेके। प्रधान कहते हैं कि मिलल रहा तो हम देख कहाँ से, सीधा कहीं चला हुई सबके हुई सबके हुई, 5 साल तक प्रधानी करियन, ओकरे बाद वो हट जाइन, दूसर कोई आके बैठी, सब ऐसे ही कहाला। धीरे धीरे आज 15 साल का दिन हो गला, हमने ऐसे ही गुजारा कर ले। मैं वीडियो देखने वाले आप सभी दर्शकों से अपील करना चाहती हूँ कि आप हरमुआ ब्लॉक के वीडियो के मोबाइल नंबर 9454 4652 89 पे कॉल करके दबाव बनाए ताकि इन लोगों का भी पक्का आवास बन सके। मैं शबनम, वाराणसी जिले के उत्तर प्रदेश से, इंडिया अनहर्ड के लिए।